हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की रेसिपी है पालक चिकन, जो कि आयरन और प्रोटीन से भरा है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी डिश है। इससे पहले कि हम ये रेसिपी बनाना शुरू करें, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पालक को अच्छी तरह से धो लेना है। फिर हमें किसी भी पैन में थोड़ा सा पानी डालना है। फिर इसके बाद करीब आधा चम्मच नमक डालेंगे। आधा चम्मच चीनी डालेंगे। इससे साग का कलर जो है वो हरा ही रहेगा। तो देखिए, अभी इसमें हमें पालक को डाल देना है। इसके बाद हमें इसमें करीब 2 हरी मिर्च डालना है और कुछ धनिया के पत्ते डालना है और सबको अच्छी तरह से करीब 5 मिनट तक बॉईल करना है। तो देखिए, पालक जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अभी इसको हमें छान लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी के जार में डाल के अच्छी तरह से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए, हमारा स्मूथ पेस्ट बनके तैयार है। इसके बाद हमने यहाँ पे चिकन लिया है, करीब 600 ग्राम। मैंने यहाँ पे चिकन के लेग पीसेस ही यूज़ किए हैं। इसमें अभी आधा चम्मच नमक डाल देना है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना है और 1 से 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देना है और सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी इसको हमें करीब 30 मिनट के लिए रख देना है। एक पैन में हमें करीब 3 चम्मच तेल डालना है। इसके अलावा हमें करीब 1 चम्मच घी डाल देना है। जब तेल और घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हमें कुछ जीरा डाल देना है। फिर हमें प्याज डाल देना है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज डाले हैं और इसको अभी हमें लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। फिर इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन हमने क्रश करके डाला है, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सबको डाल देना है। और हमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देना है और सबको करीब 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अभी इसमें हमें करीब 2 चम्मच दही डाल देना है और सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद हमने जो मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, उसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी हमें चिकन में पालक का पेस्ट डाल देना है और अच्छी तरह से सबको मिला लेना है।
अभी हमें चिकन में थोड़ा सा पानी डालना है। हम यहाँ पे वही वाला पानी यूज कर रहे हैं जो हमने पहले पालक को बॉईल करते वक्त स्टोर किया था। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अभी इसको ढक देंगे और करीब 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। बीच बीच में हमें इसको थोड़ा हिलाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद एक दूसरे पैन में हमें करीब 1 चम्मच घी डाल लेना है और जब घी अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें फाइनली चॉप किया गया हुआ लहसुन डाल देना है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन डाला है और इसमें करीब 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और दोनों को ब्राउन होने तक हमें थोड़ा भून लेना है और अभी इसको हमें चिकन के ऊपर से डाल देना है और सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये तड़का लगाने से चिकन से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी इसको हम फिर से करीब 2 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, बनके तैयार है हमारी आज की रेसिपी पालक चिकन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मेरे दूसरे रेसिपीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।